जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मलाइका अरोड़ा के पिता यानी कि अनिल मेहता के निधन को लेकर इस वक्त जो है बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहुत बड़ा खुलासा जो है पड़ोसियों ने कर डाला है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और उसमें भी बहुत बड़ा जो है खुलासा किया गया है। बहुत बड़ी वजह जो है मौत का निकलकर सामने आया है। आखिर क्यों सुसाइड किया था अनिल मेहता ने? 11 सितंबर बुधवार सुबह 9 बजकर कुछ मिनट पर जो है अनिल मेहता ने छत से कूद कर अपनी जान दे दी। आखिर क्यों उन्होंने सुसाइड किया था और इसकी असली वजह क्या निकलकर सामने आई है, चलिए आपको में बताते हैं जरा क्या खुलासा किया है पड़ोसियों ने और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है सामने। सारी जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। चैनल पर नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, तो बॉलीवुड की दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अवश्य प्रेस कर लें। दोस्तों आपको बता दें बुधवार यानी कि 11 सितंबर कल ठीक रात 8 बजे जो है अनिल मेहता का पोस्टमार्टम किया गया था। ये घंटों तक चला पोस्टमार्टम, उनके शरीर के विसरा को बचा कर रखा गया था और फोरेंसिक लैब जो है भेज दिया गया था। इससे आगे जांच में मदद मिलेगी। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद जो है अनिल मेहता की मौत को लेकर कुछ खुलासे हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल की मौत जो है शरीर में बहुत सारी चोट के निशान जो है मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद मलाइका अरोड़ा के परिवार को अनिल मेहता का पार्थिव शरीर जो है लौटा दिया गया है और वहीं आपको बता दें आज अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें चोट के निशान जो मिले हैं अनिल मेहता के शरीर पर वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं, हैरान कर देने वाले, परेशान कर देने वाले। आपको बता दें मलाइका अरोड़ा और उनके परिवार ने अनिल मेहता की मौत पर आधिकारिक बयान जारी किया था। उन्होंने इसमें साफ तौर पर कहा कि हमें इस बारे में बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे प्यारे पिता अनिल कुलदीप मेहता अब नहीं रहे। वो एक नर्म इंसान, अच्छे नाना, प्यारे पति और हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। हमारा परिवार गहरे सदमे में है और हम मीडिया और हमारे शुभचिंतकों से इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी की दरखास्त करते हैं। हम आपकी समझ, सपोर्ट और इज्जत की प्रशंसा भी करते हैं। आपके आभारी जॉयस। मलाइका, अमृता, शकील, अरहान, अजान, रयान, कैस्पर, डफी, बड़ी, इन सभी के नाम के साथ जो है ये बयान जारी किया गया था जो कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। साथ ही आपको ये बता दें कि सुसाइड से पहले बेटियों को फोन भी किया था मलाइका के पिता अनिल मेहता ने। सही सुन रहे हैं, पुलिस के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता ने आत्महत्या से पहले 11 सितंबर की सुबह अपनी दोनों बेटियों यानी कि मलाइका और अमृता से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान अनिल ने साफ तौर पर कहा था कि आई एम सिक। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि जिस वक्त अनिल मेहता ने सुसाइड किया था, छत से कूदकर अपनी जान दी, उस वक्त मलाइका की मां घर पर ही थी। अनिल ने दोनों बेटियों से बीमारी से परेशान होने की बात कही। सिगरेट पीने के नाम पर वो बालकनी में गए और खुदकुशी कर ली। वहीं आपको बता दें अनिल मेहता बांद्रा स्थित आयशा मैनेजर बिल्डिंग की छठी मंजिल पर जो थे रहते थे। मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस भी उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर रहती थी। 11 सितंबर की सुबह अनिल उन्हें हेलो बोलने नहीं आए थे। ये दोनों का रोज का रूटीन था, इसी के चलते उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। मलाइका अरोड़ा और उनका परिवार अनिल मेहता के यूं अचानक जाने से इस वक्त गहरे सदमे में है। एक्ट्रेस पिता के सुसाइड के वक्त पुणे में थी। खबर मिलते ही वो मुंबई आई और तब से अपने परिवार के साथ मौजूद है डटकर। 12 सितंबर को अनिल मेहता का अंतिम संस्कार होना था जो कि हो चुका है आज, जिसके लिए सितारे शमशान घाट पहुंच गए थे। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो साथ निभा रहे हैं वो है अरबाज खान। जी हाँ, अरबाज खान जो कि मलाइका के एक्स हस्बैंड है, वो उनकी माता जी का और मलाइका का, उनकी बहनों का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है अनिल मेहता ने आखिर सुसाइड किया होगा तो क्यों किया होगा? वहीं पड़ोसियों का साफ तौर पर ये कहना है दोस्तों कि वो कुछ दिन से परेशान थे, हमसे बातचीत भी हुई थी, कभी वो नॉर्मल लगते थे तो कभी चिंतित लगते थे, अंदर से काफी परेशान चल रहे थे, बीमारी से ग्रस्त रहते थे अनिल मेहता। तो पड़ोसियों ने इस तरह के बयान जो है दिए हैं पुलिस वालों को। आपकी क्या राय है इस बारे में? जो भी राय है जरूर कमेंट करें।